नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक समस्या गई नहीं कि दूसरी समस्या आ गई, मतलब ये कि कोरोना का अभी तक सफल इलाज या टीका नहीं हुआ था कि इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में एक और खतरनाक वायरस ओमिक्रॉन दिखा और जिससे दुनिया थर्रा गई और धड़ाधड़ लॉकडाउन का ऐलान होने लगा और हर तरफ देखे अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। इस बीच कुछ डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन को पहचाने की कोशिश की है और दुनिया को ये बताया कि ओमिक्रॉन कैसा है और इसका बिहेव कैसा है, लेकिन अभी भी ओमिक्रॉन को जानना जरूरी है। इस बीच दुनिया के देखिए सबसे बड़े महामारी के डॉक्टर एंथोनी फाउची ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ओमिक्रॉन से सावधानी जरूरी है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ फाउची ने कहा है कि इस नए वेरिएंट पर अभी और जांच की जरूरत है, क्योंकि एंथोनी फाउची ने आगे ये भी कहा कि नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन की शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि ये डेल्टा से कम खतरनाक है और इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जानकारी देते चले कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से अफ्रीका में तनाव बना हुआ है, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने की दर बढ़ी नहीं है। फाउची के माने तो अब तक देखिए कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जिस तरह की जानकारी मिली है उससे ऐसा नहीं लगता कि ये काफ़ी गंभीर वेरिएंट है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी देते चले कि भारत समेत दुनिया के 68 देशों तक ओमिक्रॉन पहुँच चुका है और अमेरिका के 17 राज्यों में भी ये फैल गया है। अब भारत की बात की जाए तो ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि महज 4 दिन में भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 21 तक पहुंच चुकी है। देश में देखिए 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था, 6 दिसंबर तक इस वेरिएंट के 21 नए मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 17 नए मामले सामने आए हैं और जिसमें जयपुर में देखिए 9, महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 मामला सामने आया है। अब हम आपको ये भी बताते चले कि इसके लक्षण कैसे होते हैं जिसे आप सावधानी रखकर ओमिक्रॉन को हरा सकते हैं। बहुत ज्यादा थकान, हल्का सिरदर्द, पूरे शरीर में दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी। तो अगर आपके शरीर में कुछ इसी तरह के लक्षण नजर आए तो आप सावधान हो जाएं और बिना लापरवाही किए डॉक्टर के पास जरूर जाएं और इलाज करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहानेबाजी से काम बिगड़ जाए। तो आप सावधान रहें और सजग रहें, बाहर निकलें तो मास्क लगाएं और 6 गज की दूरी का बखूबी ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना ने कैसा तूफान मचाया था और अब क्या हुआ, लेकिन कोरोना को सावधानी और बचाव से ही हराया जा सकता है।